पर्सन पवन के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज, गुड़गांव। यूपी के बाद हरियाणा में किस्मत आजमाएंगे राज बब्बर। उधर बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह से इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति कुमार सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की है, सुनिए। साथ है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है। सर, बीजेपी कह रही है कि 2025 के विधानसभा से पहले, चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं देंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे, इसको कैसे लेते हैं? अभी तो 2 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से 10 साल ये शासन में रहे हैं तो 50 करोड़ का क्या हुआ? अभी वो 50 करोड़ हुआ होता तो बोलो मत, 10% से अधिक आबादी है बिहार की इस देश में, तो 5 करोड़ तो यहाँ भी हो गए होते। तो अब उसको तो ये लोग आए थे 14 में, दो ही मुद्दा मुख्य था इनका, जिसको जनता ने पकड़ लिया था। उस समय न राम मंदिर था, न उस समय हिंदू मुसलमान था, ना उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान था। 2 मुद्दे, यही सोशल मीडिया जो आप लोग के पास है, उस समय आम लोगों के पास नहीं था। 2 बातें लोगों को क्लिक कर गई, 2 करोड़ प्रति वर्ष हम लोगों को नौकरी में देंगे और काला धन वापस ला करके, इतना है बाहर काला धन कि प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपया चला जाएगा, बोले थे, याद होगा तो देश ने सुना था और सभी लोग सोचे कि हमारे गरीबी, परेशानी, बेरोजगारी में यह कह रहा कि हम कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन बाद में जुमला बोल दिया। तेजस्वी जी ने कहा कि हम बेरोजगारों को 10 लाख देंगे पहली कैबिनेट में, हमारी सरकार बनते बनते रह गई, लेकिन बाद में जो अधूरी भी सरकार बनी तो उसके हमारा कंडीशन था इतनी नौकरी रिक्तियों को भरिए। विलम्ब हुआ लेकिन 5 लाख के आसपास तो लोग गए ना नौकरी में, और नौकरी को हटा दो, ये जो गांव के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते वहाँ नथाले बन गया था, कोई शिक्षक नहीं था, आज शिक्षक मिले हैं बीपीएससी के द्वारा, तो वह योग्य शिक्षक हमारे बच्चों की भी प्रतिभा को तराशेंगे और देश का वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियंस और आम लोगों को एक बड़े पैमाने पर प्रतिभा को तराश करके, जिसको कहते हैं ज्ञानी बुद्धिजीवी नागरिक को बनाएंगे। यह हमारा था और हम लोगों ने तो कहा था सिंचाई हम करेंगे। हम लोगों के कीमत जो अनाज का है उसका दाम देंगे। हम लोगों ने कहा था लोगों को, गरीबों को स्वास्थ्य की सेवा देंगे। इन सारी बातें हमारे मुद्दे थे और इसी पर हम लोग जीत चुके थे, जिसको 12 बजे दिन के बाद 12 बजे रात तक हार में इन्होंने बदल दिया। हमारे मुद्दे आज भी जीवित है। ये जब बार बार उल्टा सीधा इधर उधर कर रहे थे तो तेजस्वी जी बार बार का एक ही मुद्दे पर आइए, मोदी व्यक्ति है और यह इस देश में असत्य बोलने वाला साबित हो चुका है, इसलिए मुद्दे पर आइए कि इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है। और आज पूरे देश का मुद्दा इस बिहार में जो तेजस्वी नौजवान नेतृत्व ने उठाया, आज पूरे देश का मुद्दा बन गया है, इसलिए इस मुद्दे से अब कोई भटक नहीं पाएगा। अब उसी में प्रयास कर रहे हैं कि उसी में ये भी कुछ हिस्सेदारी पा जाए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कह रहे हैं कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है इसमें 400 पार बोल रहे हैं, इसको किस तरह से लेते हैं? क्या बोल रहे हैं? 400 पार इस बार सीटें आएगी बीजेपी एनडीए की। आप कने ही बोल रहे हैं, बोली बंद हो गई, बिहार ने इनकी बोली बंद करा दिया। अब तो 200 के नीचे चले जा रहे हैं, ये पूरा जो इनके पक्षधर थे वो भी बोलने लगे, 200 के पास भी नहीं जाएंगे, सरकार इनकी अब नहीं बनने जा रही है, इस सरकार से बाहर जाएंगे। इस देश को काम करने वाली सरकार चाहिए और काम करने वाला बिहार में तेजस्वी जी ने एक मुद्दा जो खड़ा किया वो देश का मुद्दा बन गया। जो भी प्रधानमंत्री इनको हरा करके पूरी इंडिया की तरफ बनेगा, एक मुद्दों पर हम खड़े रहेंगे
और हर हालत में जिन सवालों को हम लोगों ने उठाया था उसको पूरा कराएंगे। सर क्या लगता है, इस बार जो विधान लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, 40 सीटों सीट हैं बिहार में, और कितनी सीटें जो है महागठबंधन के खाते में आएगी इस बार? इसी बिहार ने इनके चार समुदायों को खत्म कर दिया, दो फेज के चुनाव हुआ, चार पहले फेज में, पांच दूसरे फेज में, शायद एक आध सीटें जीत जाएं यही बहुत काफी है, एक आध सीटें जीत जाएंगे, तो इसलिए इनको मालूम है कि हालत हमारी खराब है। तो 9 सीटों में अधिकांश सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, आज सारी समीक्षा धीरे धीरे वहीं पर सबकी आ रही है, और यही जो कारवा है दो बार के दो टर्म के चुनाव का, दोनों टर्म में जो चुनाव हुए हैं वो इंगित करता है कि अधिकांश सीटें राजद महागठबंधन को जाएगी, जिसमें हमारे लेफ्ट के भी साथी हैं, कांग्रेस भी है, मुकेश सहनी भी हैं, हम लोग अधिकांश सीटें जाएंगी, तब इनके पास शेष सीटें क्या रह जाएंगी। और ये हवा पूरे अब देश में धीरे धीरे फैल चुका है, बिहार से हार चुके हैं, शेष देश से अन्य जगह जहां चुनाव हो रहा है वहां इनको हरा देना है। सर एक आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, इंडिया गठबंधन में जो सीटें हैं कांग्रेस की अगर बात करें या मुकेश सहनी की, तो आरजेडी के लालू प्रसाद यादव ही तय कर रहे हैं कि कौन सी सीटों पे कौन लड़ेगा, यहाँ तक कि कांग्रेस के उम्मीदवार भी कहा जा रहा है कि उन्हीं के इस आरोप पर ही तय हो रहे हैं। जनता तय कर रही है, जन नेता हैं लालू प्रसाद जी, जनता की आवाज़ को पहचान करके हर सीटों पर अपने साथियों को यहाँ पर जगह दी गई है। सर आपने कई लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव देखे होंगे, इस बार का लोकसभा के चुनाव है इसमें वोटिंग परसेंटेज जो है बिहार में दोनों फेज में कम हुई है, तो क्या कारण लग रहा है आपको? इसलिए कि भावनात्मक मुद्दे खत्म हो गए, वास्तविक मुद्दे पर आ गए, और जो देख रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वहीं अन्य लोग भी जाकर के अपने मत का प्रयोग कर ही रहे हैं उसी काम के लिए, और इसलिए जब वो जीतने जा रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं कि जीतते हुए लोगों को यदि हम न भी दें तो ये जीतेंगे ही महागठबंधन इंडिया के लोग, और नफरत हो चुकी है इनके भावनात्मक मुद्दे पर। अब भारत हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में नहीं, अपनी रोजी रोटी आगे बढ़ने के लिए है ये देश अब खड़ा हो रहा है उन मुद्दों पर, जिससे वे देश भारत दुनिया में कैसे अपने नाम को आगे बढ़ा सके। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जिन्होंने कहा कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो मुद्दों पे आधारित है, खास करके रोजगार के मुद्दों को लेकर महागठबंधन जिस तरह से आगे है, लोग निश्चित रूप से महागठबंधन को बिहार में 40 में से 40 सीटें जिताएंगे। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़ पटना। चुनावी मुद्दे हैं।